मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा को जानकारी मिली कि कुछ लोग बालकुंभ माजीवाड़ा में जानवरों की खाल की तस्करी करने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद वरिष्ठों के मार्गदर्शन में वन अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई गई, जिसके बाद बालकुंभ माजीवाड़ा में घेराबंदी कर समीर शांताराम जाधव को गिरफ्तार किया गया है, जो पेशे से ड्राइवर है मगर इसके पास से लीपर, टाइगर, मगरमच्छ, हाथी के दांत ऐसे जानवरों के खाल बरामद किए गए हैं। जो अभी आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरोपी से पूछताछ की जाएगी कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं और कब से ये जानवरों के खाल की तस्करी करने का काम करते हैं। जो खाल बरामद की गई है उसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। खबर मिली थी हमारी जो टीम है खंडनी विरोधी परख जो है हमारा, उसके जो हमारे इंचार्ज है कदम साहब और शर्मा साहब, उनकी टीम को एक खबर मिली थी कि कुछ लोग मुंबई के लोग जो एनिमल है जंगली एनिमल उनका स्किन बेचने के लिए थाना सिटी के अंदर आने वाला है। तो हमको ये पता चलने के बाद हमने ट्रैप लगाया, तो ट्रैप लगाने के बाद हमें पता चला कि उसके पास लेपर्ड का स्किन है, टाइगर का है, उसके बाद एलिफेंट के उसके पास टीथ है, उसके बाद एक क्रोकोडाइल है उसका भी उसके पास स्किन है। तो हमने जब उसकी छानबीन किया तो उसके पास सारे ये स्किन हमको मिले, जिसके इंडियन मार्केट में लगभग 50 से लेकर 60 लाख के आसपास उसका वैल्यू है और इंटरनेशनल मार्केट में 1 से 2 करोड़ तक उसका वैल्यू है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? अभी तो हमने उसको आज ही हिरासत में लिया है, अभी हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद उसका पीसी लेंगे, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। तो अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो तो एक ड्राइवर है, तो उसके जरिए बेचने की कोशिश कर रहे थे, इसके पीछे कौन सा गिरोह सभी है उसकी अपन जांच करेंगे और उस गिरोह तक पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के स्किन अपने को मिले हैं, तो इसके लिए ये कोई तो भी एक बड़ा गिरोह इसके अंदर सक्रिय है ऐसा हमें लगता है। कितना स्किन है सर? अभी तो एक लिपर्ड का है, टाइगर का है, उसके बाद क्रोकोडाइल का है, उसके बाद हमको एलिफेंट के भी टीथ मिले हैं, तो फिर इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है ये हम ढूंढते हैं। इसका यूज कहाँ पे होने वाला था? नहीं, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी इसका डिमांड है और काफी बड़े पहनावे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई लोग उसको एंटी के रूप में भी रखते हैं घर के अंदर, तो मेडिकल यूज भी इसका बहुत बड़ा होता है। ऑथेंटिसिटी सर इसका पूरा चेक किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ फॉरेस्ट के जो ऑफिसर थे वो भी हमारे साथ थे, तो उनको भी हमने बुलाया था, उनके जरिए हमने ये पूरा चेक किया है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें बोला है कि ये प्रॉपर स्किन है, प्रॉपर टीथ है और जो भी है ये एकदम बिल्कुल प्रॉपर एनिमल का है। इसके तहत हमने कंपोर्ट बॉर्डर पुलिस के अंदर एनिमल वाइल्ड लाइफ के तहत हमने इसके ऊपर एक गुनाह रजिस्टर किया। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि जानवरों की खाल की तस्करी कौन सा गिरोह कर रहा है और इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। बहरहाल पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, ये खाल की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा मांग होती है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करेगी, पूछताछ में ही खुलासा होगा कि इस गिरोह में आखिर कितने लोग हैं और इसका नेटवर्क कहाँ तक है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।